हेलो स्टूडेंट, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। स्टूडेंट, टुडे इन आवर ज्योग्राफी क्लास वी विल रीड अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि अपर कोर्स ऑफ द रिवर्स, कि आपका जो अपर कोर्स आपका रिवर्स का कहाँ से स्टार्ट होता है, इट बिगिंस आपका विद द हाईलैंड एंड हिली माउंटेन एरिया से स्टार्ट होता है। एट द पॉइंट ऑफ द सोर्स ऑफ द रिवर्स, के सोर्स के पॉइंट से स्टार्ट होता है। और इन दिस कोर्स के अंदर रिवर डू ओनली इरोजनल वर्क, कैसा वर्क करती है? ओनली इरोजनल वर्क इज डन बाय द रिवर वाटर। सो टुडे वी विल रीड अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज गॉर्ज, पहली जो आ करती है वो कौन सी है? अपनी गॉर्ज की है। और आपको पता है कि इन द हाईलैंड, हाईलैंड्स का मतलब होता है आपका हिली या माउंटेन एरिया, डेट इज़ द स्लोपिंग एरिया, जो आपका स्लोपिंग एरिया होता है। ओके स्टूडेंट, इन द हाईलैंड्स के अंदर आपको व्हेन द रिवर पासिस थ्रू ए बेड ऑफ द हार्ड रॉक्स, कहाँ से आपको पास आउट होती है? पास आपकी गुजरती है आपका हार्ड रॉक्स की बेड्स के, दोनों हार्ड रॉक्स के बिटवीन्स के अंदर से वो आपकी पास आउट होती है। और मेन एक्शन ऑफ द रिवर इज द डाउन कट, और आपके रिवर के वाटर का जो मेन आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है? डाउन कटिंग, दैट इज आपको वर्टिकली आपका इरोजन। डाउन कटिंग का मतलब होता है आपका वर्टिकली इरोजन होना। ओके, और जिसके रिजल्ट के कारण ए नैरो एंड द स्टीप साइडेड, एक आपकी बिल्कुल तंग और स्टीप आपकी साइडेड जो वैली है वो आपकी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है। और विच इज नोन एज द गॉर्ज, जो किस उसके फॉर्म के नाम से जानी जाती है, गॉर्ज के नाम से जानी जाती है। सतलुज, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड द गंडक एंड द कोसी रिवर्स इन द इंडिया के अंदर हैव कट डीप गॉर्ज इन द हिमालय एरिया के अंदर, बहुत आपकी जो गॉर्ज बनाती हुई आपकी फ्लो ऑन होती है। कैनियन, कैनियन कैसे आपकी फॉर्म होती है, कैसे आपकी बनती है? इट इज़ द मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ द गॉर्ज, ये ही गॉर्ज का ही आपका विस्तृत रूप होता है। और आपकी जो सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो कैनियन है वो कहाँ पर पाई जाती है? डैट इज द ग्रैंड कैनियन ऑफ द रिवर कॉलोराडो की इन द USA के अंदर, इट इज़ द आपकी लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड की। स्टूडेंट, गॉर्ज और कैनियन के अंदर क्या आपका डिफरेंस पाया जाता है? गॉर्ज के अंदर वर्टिकली और आपका हॉरिजेंटली बोथ वर्क आर डन, दोनों के आपका जो इरोजन वर्क है वो आपका किया जाता है। बट इन द कैनियन के अंदर जो वर्टिकली इरोजन है, इट इज द आपका डीपेस्ट आपका ज्यादा रहता है, हायर रहता है देन द आपका हॉरिजॉन्टली आपका इरोजन से। वी शेप्ड वैली, और इट इज द इंपॉर्टेंट फिग, आपकी जो आपकी लैंडफॉर्म होती है डेट आर मेड बाय द रिवर, आपके वाटर के द्वारा बनाई जाती है। और कहाँ पर ये आपकी फॉर्म्ड होती है, कहाँ पर क्रिएट की जाती है? दिस फॉर्म्स इज क्रिएटेड इन द सफिशियंट रेनफॉल एरिया, यानी कि जो एरिया आपका हैवी रेनफॉल एरिया आपकी रक्त आपका ओकर होता है, आप वहाँ पर आपकी वी शेप्ड वैली है आपकी बनाई जाती है। और इसके अंदर वी शेप्ड वैली के अंदर हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल इरोजन है बोथ आर डन, दोनों के दोनों आपके रिवर वाटर के द्वारा आपका किए जाते हैं। सपोज कीजिए कोई भी आपकी जो वैली है, इट इज़ द नैरो इन द बिगनिंग, ये आप एक आपकी डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। सपोज कि यहाँ पे मैंने AA लिखा हुआ है, तो सपोज कि आपको स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी जो वैली है, इट इज़ वेरी नैरो, वो बहुत ही आपकी नैरो होती है, तो इट इज़ आपका शो द AA फॉर्म को आपको शो करती है। बट वैन द टाइम पासिस, जब आपका टाइम गुजरता जाता है और आपका जो हॉरिजेंटली आपका जो आपका इरोजन है, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड, वो आपका बढ़ता चला जाता है। और आपकी BBB फॉर्म के अंदर आपकी जो वैली है अज्यूम होती चली जाती है। बट एट द आपका लास्ट उसके अंदर व्हेन द हॉरिजॉन्टली एंड द वर्टिकली इरोजन से डन मोर आपका ज़्यादा किया जाता है, तो CC फॉर्म्स के अंदर हमारी जो वी शेप्ड वैली है वो अज्यूम होती है, क्रिएट हो जाती है। वाटरफॉल, वाटरफॉल का तो आपको भी पता है कि झरना जो आपका सफिशियंट हाइट से जब आपका जो वाटर है आपका नीचे फ्लो डाउन होता है, नीचे की तरफ गिरता है, इट इज़ कॉल्ड द वाटरफॉल, वो किस क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है, यानी कि व्हेन द रिवर वाटर फॉल डाउन आपका नीचे की तरफ गिरता है ऑलमोस्ट वर्टिकली फॉर्म के अंदर एट द सफिशियंट हाइट आपकी अलॉन्ग विद द कोर्स ऑफ द रिवर्स, हाई अल्टीट्यूड से जब आपका जो रिवर वाटर है आपका फॉल डाउन नीचे की तरफ गिरता है, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल, वो किसको आपका क्रिएट करता है? एक वाटरफॉल बनाता है।
स्टूडेंट यू कैन सी दिस फिग, आप इस आकृति को देख सकते हैं। व्हेन द हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स आर अरेंज्ड इन द हॉरिजेंटल स्ट्रेटा, आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज द हार्ड रॉक्स, दिस इज द सॉफ्ट रॉक्स, ये दोनों आपकी रॉक्स है किस आपकी स्ट्रेटा के अंदर, किस आपकी पोजिशंस के अंदर है, हॉरिजेंटल आपकी पोजिशंस के अंदर आपकी पाई जाती है, अरेंज्ड है। तो हार्ड रॉक्स को जो आपको रिवर्स का जो वाटर है वो आपको इसको इरोडेड नहीं कर पाता, जबकि आपकी सॉफ्ट रॉक्स को आपको इट विल बी इरोडेड ईजिली, आपका ईजिली से इरोडेड कर देता है। तो आपका इन दोनों के लेवल्स के अंदर आपका डिफरेंस होने के कारण आपको जो वाटरफॉल है वो आपका अज्यूम होता है, आपका बनता है। और इस वाटरफॉल के आपने दिखाया दिस इज द स्ट्रीम, इट इज द रिवर, जो आपका हाई अल्टीट्यूड लैंड से नीचे की तरफ आपको वाटर आपका फॉल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आपको नीचे यहाँ पर एक आपका बिल्कुल बड़ा सा आपका हॉल दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, इट इज कॉल्ड द आपका प्लग, आपका पुल कहा जाता है, जहाँ पर ऑल द आपका इरोडेड मटेरियल है, जो आपका रिवर वाटर के द्वारा जो इरोडेड आपके सिल्ट है या फिर आपका सैंड है या और भी आपके जो मटेरियल है वो आपके डिपॉजिट होते रहते हो, और इट इज कॉल्ड द आपका प्लग पुल कहा जाता है। तो इस फॉर्म्स के अंदर आपको वाटर फॉर्म है एक आपका अज्यूम होता है, बनता है, क्रिएट्स होता है। स्टूडेंट इन दिस फिक के अंदर यू कैन सी कि जो हार्ड रॉक्स है और सॉफ्ट रॉक्स है दीज आर अज्यूम इन द वर्टिकली फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर अज्यूम हुई है, किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, इन द वर्टिकली, दिस इज द आपका हार्ड रॉक्स और दिस एरिया इज सो द सॉफ्ट रॉक्स को दिखा रहा है। यू कैन सी आपको दिखाई दे रहा है ना कि हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स है, और यहाँ से जो आपकी जो रिवर्स है आपके फ्लो डाउन होती आ रही है, लेकिन जो हार्ड रॉक्स है वो आपको इरोडेड नहीं हो पाती, जबकि सॉफ्ट रॉक्स का जो है जो आपका रिवर वाटर है वो जल्दी से इरोडेड कर देता है, जिसके कारण एक आपका परमानेंट वाटरफॉल है आपकी फॉर्म के अंदर आपका क्रिएट्स होता है। ये परमानेंट वाटर फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो हार्ड रॉक्स है वो आपका फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इट रिमेन द सेम पोजिशन, आपकी सेम पोजिशन के लिए उसमें रहती है। सो इट इज कॉल्ड द परमानेंट वाटरफॉल। रैपिड, व्हेन द वाटरफॉल आपका जो ऊपर से आपका रिवर का वाटर है डाउनवर्ड की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, इन द जंपिंग फॉर्म के अंदर, किस आपकी फॉर्म के अंदर, आपका जंपिंग फॉर्म के अंदर, आपका उछलता कूदता वो आपका जंपिंग फॉर्म के अंदर आता है। और ये जब कब हैपन होता है, जब आपका हार्ड रॉक्स और आपके सॉफ्ट रॉक्स से आपकी इन द वे के अंदर आपकी लाई होती है, आपकी बिछ जाती है, तो सॉफ्ट रॉक्स है इरोडेड आपकी हो जाती है, जबकि हार्ड रॉक्स है रिमेन द सेम रहती है। तो हमारा जो पानी है, जो वाटर है ऑफ द रिवर्स का, वो हमें आपका बिल्कुल जंपिंग फॉर्म के उसमें आपको दिखाई देता है। स्टूडेंट यू कैन सी फ्रॉम दिस फिग, इस आकृति से आप समझ सकते हैं कि समटाइम्स देयर इज ए बैंड ऑफ द हार्ड रॉक्स, दिस इज द हार्ड रॉक्स पार्क, ये किसका पार्ट है, हार्ड रॉक्स का पार्ट है, और आपका अलोंग विद द पाथ ऑफ द रिवर्स के पास के साथ विच मेक इट आपको वाटर को किस आपकी उसमें फॉर्म के अंदर आपको बना देता है, इन द जंपिंग फॉर्म के अंदर। और आपको दिखाई दे रहा है कि जो वाटर है वो आपका जंपिंग फॉर्म के अंदर आपका नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ आपको फ्लो ऑन हो रहा है, और दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स, ये आपका सॉफ्ट रॉक्स का पार्ट है। तो इसको हमारे जो आपका रिवर का वाटर है इरोडेड वेरी इजिली, आपका आसानी से इरोडेड कर देता है, जबकि हार्ड रॉक्स पार्ट है वो आपको इसको जंपिंग फॉर्म के अंदर आपका यानी कि लीड करते हैं। तो दिस आपका फॉर्मेशन लीड टू द रैपिड, ये आपकी फॉर्मेशन किसकी आकृति को लीड करती है, रैपिड की आकृति को। पॉटहोल, हमारी जो नेक्स्ट आपकी लैंड फॉर्म्स है वो कौन सी है, पॉटहोल है। व्हेन ए सॉफ्ट रॉक्स कम इन द वे ऑफ द रिवर, कोई भी आपकी सॉफ्ट रॉक्स आपके रिवर के रास्ते के अंदर आ जाती है, इट इज इरोडेड, वो क्या हो जाती है, इजिली से इरोडेड हो जाती है, एंड स्कैटर्ड ऑल ग्राउंड, और आपके जो उसके टुकड़े हैं आपके पानी के साथ आपके बिखर जाते हैं। और जो एडीज, एडीज का मतलब होता है जो आपके टूटे हुए इरोडेड जो मटेरियल है फॉर्म्ड, वो आपके बन जाते हैं, और दे आपका एक्ट एज ए ग्राइंडर की तरह काम करते हैं विद द वाटर के साथ, वो आपके जो पानी के जो आपका रिवर्स की जो बेस में के अंदर है, बॉटम के अंदर है, दे मेक द हॉल, वो आपके हॉल बना देते हैं, और उन हॉल्स के अंदर आपके स्टोन पीसेज आल्सो एंटर, वो एंटर भी कर जाते हैं, एंड द पॉट हॉल्स अलोंग विद द वाटर के साथ एज ए ग्राइंडर की तरह काम करते हैं। और जो हमारे पॉट हॉल्स है उनका जो आपका आपका डेप्थ है वो ज़्यादा आपकी ग्रेटर होती है देन इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर से। स्टूडेंट यू कैन सी बाय दिस डायग्राम, इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि दिस इज द आपका रिवर फ्लो, ये आपका रिवर का फ्लो है, और दीज आर द एडीज, ये हमारे जो सॉफ्ट रॉक्स के जो आपके इरोडेड मटेरियल है, और दिस इज द पॉट होल, ये हमारे जो एट द बॉटम ऑफ द रिवर्स के अंदर आपके जो एडीज होते हैं दे वर्क एज द ग्राइंडर, आपको ग्राइंडर की तरह काम करते हैं, और आपकी रिवर्स के आपके बेसमेंट के अंदर आपका तली के अंदर बॉटम के अंदर दे मेक द होल, आपका होल बना देते हैं, और इसके अंदर जो पानी है और आपके जो आपके
पीरियडेड मटेरियल है, दे आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं, और आपका इसका जो आपका डेप्थ होती है इट इज़ द हायर देन इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर से हायर होती है। स्टूडेंट टुडे ओनली दिस, और इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द रिवर।